11th term of DAP माइनस करें माइनस 1/2 ना, तो देखिए इस AP का फर्स्ट टर्म कितना बचे, फर्स्ट टर्म आपका जो है माइनस 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 11, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो सेकंड टर्म कितना माइनस 1/2 है, फर्स्ट टर्म कितना माइनस 3 है, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है, तो चलिए ये 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 टर्म क्या होता है, ये टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, है ना, राइट बाय, तो ए 11 कितना हो जाएगा, ए 11 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या है माइनस 3 है, फिर प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, डी वैल्यू 5/2, तो जगह माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2 2 1 2 5 -3 +25 क्या हो जाएगा 22 ए 11 की वैल्यू 22 क्या दे रहे हैं देखिए।